चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। आज मैं अपनी 22 सितंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा शंकर विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, हाल ही में जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कर दिया गया है राजा शंकर विश्वविद्यालय। और आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑफेंस हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है बदले के नाम। तो अब मैं आपको बदले के नाम से रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है, कहाँ के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? आंसर है नागपुर। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या हो गया है? आंसर है हरिगढ़। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो बने थे हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी, अब इनके बनने के बाद जो दो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए सुखजिंदर रंधावा, बी ओपी सोनी। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब दो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी। तो यहाँ पे बात ही है पंजाब की, आइए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब के मुख्य न्यायाधीश की, वो हैं रविशंकर झा। और फ्रेंड्स, पंजाब का एक पड़ोसी देश है, कौन सा है? पाकिस्तान। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब के पड़ोसी राज्य की तो वो है तीन, एक है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और जो विधानसभा सीट है वो है 117। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पंजाब का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष बता देती हूँ। पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरण, राजकीय पक्षी है बाज और जो राजकीय वृक्ष है वो है शीशम। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है, आपका आंसर होगा पंजाब राज्य को, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो पंजाब की प्रमुख झीलें हैं वो हैं सुखना झील, हरिके झील और कांजली झील। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पंजाब में कौन कौन से बांध हैं। पंजाब में है रणजीत सागर डैम और सिसवान बांध और जयंती बांध। और जो पंजाब के प्रमुख स्थान हैं वो हैं स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पंजाब राज्य के प्रमुख विद्युत सेंटर के नाम बता देती हूँ। तो पंजाब में है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट। और पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल, दनकारा। और फ्रेंड्स, पंजाब में है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पठानकोट हवाई अड्डा। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि पंजाब राज्य में लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरुपर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तामेंग लौंग संतरे को GI टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तामेंग लौंग संतरे को GI टैग प्रदान किया गया है। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि GI टैग का मतलब क्या होता है। GI का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जो GI टैग होता है ये किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। ऑफेंस ये क्यों दिया जाता है? किसी भी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। और हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो ही है कि मणिपुर राज्य की सिरार खोंग मिर्च और
तामेंग लॉन्ग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। और अब मैं आपको पिछले टॉपिक जीआई टैग करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, कहाँ के चीकू को जीआई टैग दिया गया है? आंसर है पालघर। नेक्स्ट है, किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है? आंसर है बिहार। कहाँ के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग दिया गया है? आंसर है वेलोर। और किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुलिया को जीआई टैग दिया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल। और किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी 46वें। फ्रेंड्स, हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इस इंडेक्स में जो भारत है ये 46वें नंबर पर है। तो आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यह इंडेक्स क्या है। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, ये 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार और पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो भारत है ये 46वें नंबर पर है और भारत का स्कोर है 36.4। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको, ये तो बात हुई भारत की, अब मैं आपको टॉप 3 देश बता देती हूँ वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में। तो फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का स्कोर है 65.5। सेकेंड पर है स्वीडन जिसका स्कोर है 63.1। और थर्ड पर है अमेरिका जिसका स्कोर है 61.3। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि 2021 में इस सूचकांक का 14वां संस्करण जारी किया गया है और इस सूचकांक को जारी किया है WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको WIPO के बारे में बता देती हूँ। इस संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 को जारी किया है। तो WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में, मुख्यालय है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर के लोगों में परस्पर प्रेम की भावना और मानवता को संजोए रखने के लिए हर साल 21 सितंबर के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है ये मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया भर के देशों के बीच शांति को बढ़ावा देना और आपसी विवाद को ख़त्म करना है। और 1982 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है ये मनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम है एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतरी रिकवरी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर को। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रुनई दारुसलाम ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हाल ही में जो 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता की है ब्रुनई दारुसलाम ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 15वीं पूर्वी एशिया बैठक ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ब्रुनई दारुसलाम ने की है। और फ्रेंड्स, इस बैठक में भारत के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया है। और इस बैठक का जो उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा ट्रांजिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों के प्रयासों का समन्वय करना था और जिससे जो क्षेत्र के लोगों हैं इनको अधिकतम लाभ प्रदान किया जाए। ऑफिस इस बैठक की जो थीम रखी गई थी वो ये थी, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। और भारत की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता की है कृष्ण पाल गुर्जर ने। और फ्रेंड्स, इस बैठक का 2021 में 15वां संस्करण जारी किया गया है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉपिक समिट करंट अफेयर्स बता देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 6वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद ने।
30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इटली में। नेक्स्ट है 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है राजकुमार रंजन सिंह ने। और भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो आंसर है पीयूष गोयल ने। और बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत ने। अगला क्वेश्चन हमारा बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 20 से 26 सितंबर तक। तो बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 जो है ये 20 से 26 सितंबर को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 2021 में 20 से 26 सितंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। और इस सप्ताह की जो थीम रखी गई है वो ये है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। अगला क्वेश्चन करते हैं द थ्री खांस एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी बमजई। तो कावेरी बमजई ने द थ्री खांस एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया बुक को लिखा है। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर बुक को लिखा है उदय भाटिया ने। आप बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस बुक को लिखा है यूएल बरुआ ने। ह्यूमन राइट्स एंड द टेररिज्म इन इंडिया बुक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बुक को लिखा है झुम्पा लहरी ने। और आ डिफरेंट रूट टू सक्सेस बुक को लिखा है रमेश नारायण ने। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लॉस एंजल्स में जो कहाँ पे है कैलिफोर्निया में। तो 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है लॉस एंजल्स में। और आपको बता देती हूँ कि जो 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड है ये 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि जो एमी पुरस्कार है या आप कह सकते हो एमी यह एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। और यह पुरस्कार जो है ये पूरे कैलेंडर वर्ष में आयोजित कई वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है और जिनमें से प्रत्येक टेलीविज़न उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक को सम्मानित करता है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड में जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है उनके नाम बता देती हूँ। तो इस समारोह में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है द क्राउन को। उत्कृष्ट हांसे श्रृंखला का अवार्ड दिया गया है टेड लासो को। और जो उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो है ये अवार्ड दिया गया है लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर को। उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला का अवार्ड दिया गया है द क्वींस गंबिट को। उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी का अवार्ड दिया गया है जेसन सुदेकिस को। और उत्कृष्ट अभिनेता नाटक का अवार्ड दिया गया है जॉश ओ कॉनर को। उत्कृष्ट अभिनेता सीमित श्रृंखला या मूवी का अवार्ड दिया गया है इवान मैकग्रेगर को। और उत्कृष्ट अभिनेत्री कॉमेडी का अवार्ड दिया गया है जीन स्मार्ट को। उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक का अवार्ड दिया गया है ओलिविया कॉलमैन को। उत्कृष्ट अभिनेत्री सीमित श्रृंखला या मूवी का अवार्ड दिया गया है केट विंसलेट को। और जो उत्कृष्ट सहायक अभिनेता कॉमेडी का अवार्ड है ये दिया गया है ब्रेट गॉडस्टीन को। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता नाटक अवार्ड दिया गया है टोबियास मेंजिस को। और जो उत्कृष्ट सहायक अभिनेता सीमित श्रृंखला या मूवी का अवार्ड है ये दिया गया है एवन पीटर्स को। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी LIC ने। तो LIC ने प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो आइए सबसे पहले तो प्रगति का पूरा नाम जान लेते हैं। प्रगति का पूरा नाम है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ऑफिस भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और जिसका नाम है प्रगति। और इस ऐप का जो उद्देश्य है वो ये है कि यह ऐप विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह एजेंसी सक्रियण और संभावित आउट परफॉर्मेंस आदि जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के गंभीर क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे बात है LIC की, आइए LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
और हिंदी में कहा जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है मुंबई में। चेयरमैन है LIC के MR कुमार और जो LIC के MD हैं वो हैं मिनी IP। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं रिविजन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रिविजन का, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है राजा शंकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब दो नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तमेंग लौंग संतरे को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 46वें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 कब मनाया गया है? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर है ब्रुनेई दारुसलाम। नेक्स्ट है, बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर है 20 से 26 सितंबर। द थ्री खांस एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है कावेरी बमजई ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है लॉस एंजल्स, जो कि कैलिफोर्निया में है। लास्ट क्वेश्चन है रिविजन का, प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, अष्टमुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है केरल में। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कहाँ हैं? आंसर है केरल व तमिलनाडु। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन हमारा, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तापमान की SI इकाई क्या है? आंसर है केल्विन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? आंसर है सतपुड़ा श्रेणियाँ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? आंसर है प्राकलन समिति। लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी का, किडनी स्टोन मुख्य रूप से किसका बना होता है? आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करने पर रोक लगा दी है? चार ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। किस राज्य ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन टेस्ट का, भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, R राजा ऋत्विक। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 सितंबर को। घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कानून और न्याय मंत्रालय। 19 सितंबर को भारत पाक युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न में भारतीय सेना ने किस शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ई, राजीव अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD के अनुसार 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.2%। लास्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है, बताइए
इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने।